हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे ये प्यारा सा झरोखा, और ये बिल्कुल बेस्ट कार्डबोर्ड से बनाया है मैंने। ये कार्डबोर्ड देखते ही मेरे माइंड में आ गया कि मैं इसका झरोखा बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने इसका थोड़ा बॉर्डर जो था वो बनाने के लिए 4-4 इंच पे मार्किंग कर ली है। और झरोखे वाला जो शेप होता है वो मैं इसमें दे दूंगी। मेंट का कोई इशू नहीं है, कैसा भी हम बना सकते हैं, छोटा बड़ा। फिर इसको मैंने कट कर लिया है, और जो मैंने शेप बनाया है उसको मैं अलग कर लूंगी बिल्कुल। आजकल ये झरोखा बहुत ट्रेंड में है, तो मार्केट में जाओ तो बहुत कॉस्टली मिलता है। और जितना बड़ा ये मैंने बनाया है उतना तो बहुत ही कॉस्टली मिलेगा। तो ये जो फ्रेश रैप होता है उसकी जो अंदर निकलता है हमारा, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और हाफ हाफ पार्ट मैंने दोनों में लगा लिया। और एक ये बोतल थी मेरे पास जिसका शेप मुझे अच्छा सा लगता था, तो इसको भी मैं ऐसे काट लूँगी और यहाँ इसको टेस्ट कर दूंगी। और जो बैक साइड है वो उसकी ओपन थी कार्डबोर्ड की, तो मैं उसको भी ग्लू से, फेविकोल से पूरा बंद कर दूंगी। अब यहाँ एक और मैं छोटी सी इस टाइप की कार्डबोर्ड की पट्टी सी काट के और लगा दूंगी मैं फेविकॉल से। इससे थोड़ा ये जो जॉइंट आ रहा था इसमें वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। और ये फेविकॉल से मैं इसके जो पिलर होते हैं वो बना दूंगी इससे। दोनों साइडों में मैं ये पिलर लगा दूंगी, और उसके बाद ये कार्डबोर्ड में से जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हटा के, और ये थोड़ा डिज़ाइन सा हमें मिल जाएगा, तो इसको भी मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगी। उसके बाद हमें थोड़ा सा और डिज़ाइनिंग करनी है इसकी। तो ये मैंने कार्डबोर्ड लिया है और उसका थोड़ा सा पार्ट काट लिया है। इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है, आप अपनी जो भी हमारी मर्जी है हम उतना हम काट सकते हैं इसको, बड़ा या छोटा। तो इस टाइप से मैंने ये रोल कर लिया है अपोजिट साइड में, और ये ऐसे डिज़ाइन बन गया है। तो दोनों डिज़ाइनों को मैं यहाँ लगा दूँगी, इससे ये थोड़ा जो पिलर होते हैं उसका लुक आएगा। अब मैंने कलर कर लिया है, और मैं ये पेंट कर रही हूँ जिससे ये मेरा कार्डबोर्ड भी ख़राब नहीं होगा।
और थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा मेरा ये झरोखा। अंदर मैंने ब्लैक पेंट किया है और बाहर की साइड रेड कलर है। साइडों में भी मैंने रेड पेंट कर लिया है। उसके बाद मैं पिलर ग्रीन कर दूंगी पूरे। ये पेंट वो है जो हम वॉल पे पेंट कराते हैं, तो उसमें से मेरा बच गया था ये, तो मैं उसी पेंट को यूज़ कर रही हूँ। नीचे की साइड थोड़ा येलो कलर कर लिया है मैंने, और जो इसका बॉर्डर था जो कटिंग की थी उसमें भी मैंने ब्लू कलर से थोड़ा बॉर्डर बना दिया है, और साइडों में भी थोड़ा डार्क कलर से बॉर्डर बना लिया है। और ये एक मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया है, थोड़ा उभरा हुआ इससे लगेगा और इससे थोड़ा लुक अच्छा आ जाएगा और ज़्यादा। तो इस पर मैं मास्किंग टेप लगा रही हूँ साइड्स में इसकी। उसके बाद मैं थोड़ा और डिज़ाइन कर लूँगी पिलर पे रेड कलर से, और मैंने ये जो मेरे पास स्टिकर वगैरह थे थोड़े से लगा लिए हैं पिलर पे। कलर से थोड़ी और डिज़ाइनिंग कर लेंगे। एक्रिलिक कलर मैं यूज़ कर रही हूँ डिज़ाइन बनाने में। बाद जो डिज़ाइन आ रहा है माइंड में वो ही बना देती हूँ मैं इस पर बस। और ये एलिफेंट बना लिए है मैंने, कट कर लिए ड्रॉ करके। उसके बाद मैंने ये बॉल पुट्टी और थोड़ा सा कलर मिला के और फेविकोल मिला के एक पेस्ट सा बना लिया है। इससे थोड़े से ये जो है वो उभरे हुए से अच्छे लगेंगे, फिर इनको डेकोरेट कर लेंगे एलिफेंट को जब ये ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने के बाद मैंने ब्लू कलर कर लिया है और आउटलाइन कर ली है लाइट ब्लू से, और इसके जो लेग्स वगैरह हैं उनको मैंने बना लिया है लाइट ब्लू कलर से। और ये एक जो एलिफेंट पे जो उसका फैब्रिक पड़ा होता है उसको भी बना लूँगी मैं। इसके बाद वाइट कलर से इसके जो टीथ हैं वो कलर कर लिए, और थोड़ी और वाइट से डिज़ाइन कर लूँगी। इसके बाद ये समोसा लेस जो होती है उसको मैं यहाँ साइड लगा लूँगी। फिर उसके बाद हम थोड़ी और डिज़ाइनिंग कर लेंगे इसमें।
अब ये जो स्टोन्स होते हैं वो भी लगा लूँगी मैं थोड़ा। अब हम लगा देंगे नेल पेंट्स को अपने झरोके पे। तो और ये जो बॉर्डर बनाया था उस पर भी मैं ये स्टोन्स पेस्ट कर लूँगी। थोड़े स्टोन और भी इधर उधर मैं लगा रही हूँ। नीचे के साइड भी मैं स्टोन थोड़े लगा लूंगी पिलर पे। उसके बाद साइड में मैं यहाँ थोड़ा सा और डिज़ाइन बना लूंगी। यहाँ बहुत खाली खाली लग रहा था तो ये चौक से मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैं कलर कर लूंगी इस पर। अब ये जो हमने कार्डबोर्ड का जो पार्ट लगाया था थोड़ा उभरा हुआ था उस पर भी थोड़ी और डिज़ाइनिंग कर लूँगी मैं वाइट कलर से। और यहाँ नीचे की साइड भी और ब्लू कलर से इस टाइप से डिज़ाइन बना लिया है। यहाँ साइड में बहुत खाली खाली लग रहा था तो मैंने यहाँ भी थोड़ा सा डिज़ाइन बना लिया है साइड्स में। इसके बाद स्टोन लगा लूँगी मैं। तो थोड़े स्टोन साइड में भी लगा लूँगी। इसके बाद यहाँ एलिफेंट्स के बीच में एक लोटस बना लिया है और उसमें भी स्टोन लगा लूँगी मैं। इसके बाद हमारा रेडी है झरोका। ये राजस्थानी झरोका आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।